बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में बन रहे हैं आलू के कबाब। एक दरमियानी प्याज, 3-4 हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया को मैंने बारीक काट लिया था। आधा किलो आलू हैं जिनको मैंने बॉयल करके ठंडा कर लिया था। इसके बाद मैंने कुटी हुई मिर्चें 1 खाने का चम्मच लिया था। अच्छा, जब मैंने आलू बॉईल करने रखे थे ना, तो मैंने नमक डाला था, क्योंकि थोड़े से आलू जो है ना वो नमकीन नमकीन से बॉईल होते हैं तो बहुत मज़े के बनते हैं। मैंने आधा चम्मच बॉईल होते हुए नमक डाला था और आधा चम्मच मैं अभी डालूँगी, यानी कि 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है। और अब मैं इसमें भुना कुटा मसाला डालूंगी। भुना कुटा मसाले में साबुत लाल मिर्चें होती हैं, साबुत धनिया होता है, सफ़ेद ज़ीरा होता है, जिसे हल्के से ऑयल में मैं फ्राई करती हूँ और उसके बाद मैं उससे थोड़ा मोटा मोटा पीस लेती हूँ, तो वो भुना कुटा मसाला बनता है। इसकी रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर कर चुकी हूँ पहले, मैंने बनाया था बलोची कलेजी। अगर आप भुना कुटा मसाले की रेसिपी देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप वाली वीडियो देखिएगा, बलोची कलेजी, उसमें ये रेसिपी पूरी है। और इसके बाद फिर मैंने इसमें डाला है आधा चम्मच काली पिसी हुई मिर्चें। काली पिसी हुई मिर्चें मैंने अपने हाथ से डाली है अंदाज़े से, यानी कि वो आधा चम्मच ही हैं। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी चाट मसाला। चाट मसाला भी तकरीबन आधा चम्मच ही लिया है। चाट मसाले के बाद अब इसमें कॉर्नफ्लावर डालूंगी 1 खाने का चम्मच। कॉर्नफ्लावर से थोड़ा ये होता है कि अच्छी हेल्प मिल जाती है, थोड़ा सा आलू जो है वो थोड़े सॉफ्ट नहीं होते हैं, टूटते नहीं है ना, और अच्छे बन जाते हैं। अच्छा, मैंने जब आलू बॉईल कर लिए थे ना, तो उसके बाद मैंने आलू को पीसा नहीं था। आज फर्स्ट टाइम ऐसा मैं कर रही हूँ कि मैंने इस तरह से आलू मिक्स करें और अब मैं मसाले के साथ ही पीसूँगी आलूओं को। और जब मैंने आलू मैच किए थे ना, तो मैंने पूरे पूरे बारीक भी नहीं किए थे आलूओं को ना, थोड़े थोड़े से मोटे मोटे आलू छोड़ दिए थे, जो बहुत मज़े के लगते हैं आलू के कबाबों में ना। मेरे घर में आलू के कबाब सबको बहुत पसंद है। मेरी सबसे छोटी बेटी अरीबा को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, वो तो आलू लवर है। अल्हम्दुलिल्लाह, आलू के कबाबों का मसाला बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। और फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा करा, नहीं तो मैं पहले यही करती थी कि आलू जैसी बॉयल हो इनको थोड़ा सा ठंडा करा और पीसना शुरू कर दिया, इसके बाद उसमें मैं मसाले मिलाती थी। लेकिन आज मैंने इस तरह से ट्राई करें तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छे से हो गए। अच्छा जी, इसके बाद मैंने अपने हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगाया था ताकि आलू जो है वो मेरे हाथों पर चिपके ना। इसके बाद मैंने आलू की टिक्कियाँ बनानी शुरू कर दी थी आलू के कबाबों की, और परफेक्ट साइज़ की बन रही थी, अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे से बन रही थी। अच्छा, आजकल जो है ना बड़ा ज़बरदस्त बारिशों का मौसम चल रहा है। जब मैंने आलू के कबाब बनाए ना, तो सबको बहुत मज़ा आया खाना खाने का, सब बहुत खुश हुए। और आलू तो है ही ऐसी चीज़ ना कि सबको ही पसंद है माशाल्लाह से ना, आलू लवर तो सभी हैं, मैं ख़ुद भी आलू लवर हूँ। और साथ में मैंने ये पुदीने की और हरे धनिए की इमली की चटनी बनाई थी, इसकी रेसिपी नहीं मैं बना सकी, आपके साथ इंशाल्लाह फिर दोबारा शेयर करूँगी। और यहाँ मैंने 2 अंडों को फेंटा है अच्छी तरह, और 3-4 ब्रेड ली थी, उनका ब्रेड क्रम्स बनाया था। इसके बाद फिर मैंने सबसे पहले आलू के कबाब को क्रिस्पी करने के लिए अंडे में डिप करा, फिर ब्रेड क्रम में डिप करा, और उसके बाद ऑयल अच्छी तरह गरम कर लिया था। अगर ठंडा ऑयल होता है ना, या दरमियाना ऑयल होता है, कम गरम हुआ होता है, तो आलू के कबाब जो है ना वो बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। तो मैंने ऑयल को ना ठीक ठाक वाला गरम कर लिया था, फुल तेज़ गरम कर लिया था, और बस मैं जल्दी जल्दी ये काम कर रही थी कि बस फटाफट से अंडा और ब्रेड गरम लगाया और डीप फ्राई करा, और फौरन फौरन उसको एक एक मिनट के बाद ही निकाल रही थी। ज़्यादा टाइम मैंने ऑयल में रखे ही नहीं थे कि आलू के कबाब अक्सर टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं ऑयल के अंदर। आलू के कबाब तो हमारे घर में जब भी बनते हैं ना, तो अंडा और ब्रेड क्रम तो मैं ज़रूर लगाती हूँ, उससे कबाब इतने क्रिस्पी बनते हैं और इतने मज़े के बनते हैं, दिल ही नहीं भरता, दिल करता है बस खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करिएगा। अच्छा, हमारे घर में पता है क्या होता है, अगर हमारे कबाब बच जाते हैं ना, तो नेक्स्ट डे पे हम मंगवाते हैं बर्गर बन और केचप, मायनीज, प्याज, रायता, ये सब कुछ लगा के ठीक ठाक करके और बनाते हैं बर्गर, बड़े मज़े के टेस्टी बर्गर बनते हैं। और यही रेसिपी आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बना सकते हैं, इसी तरह आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। अच्छा, ब्रेड क्रम भी मैं घर में खुद ही बनाती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बिल्कुल परफेक्ट गोल टिक्किया बनी थी आलू के कबाबों के लिए।
और बड़े मज़ेदार से बस कबाब फ्राई होते जा रहे हैं, मैं बातें करती जा रही हूँ और निकालती जा रही हूँ। मुझे तो बस बहुत मज़े के लगते हैं आलू के कबाब। मैं आलू लवर हूँ मेरे मैं बहुत आलू शौक से खाती हूँ, बिरयानी में, पुलाव में या सालन में मुझे आलू बहुत अच्छे लगते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरी परफेक्ट वीडियो आप सबके साथ शेयर करी है, और अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आए तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप में, अपने स्टेटस पे ज़रूर शेयर करिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। कबाब इतने क्रिस्पी बने थे, इतने क्रिस्पी बने थे कि उनमें से ना क्रंची क्रंची सी आवाज़ आ रही थी। मैं तो जा रही हूँ खाना खाने के लिए। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।